नमस्कार, हिंदुस्तान टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भूमिका। आइए देखिए खबर। दतिया जिले में लगातार बढ़ रही ठगी के मामले, आरोपी हुए फरार, केस हुआ दर्ज। कांग्रेस के प्रदेश सचिव पर हेराफेरी का मामला दर्ज हुआ है। दतिया सिटी कोतवाली में कांग्रेस के प्रदेश सचिव मुरारी लाल गुप्ता और उनके पुत्र विकास गुप्ता पर 420, 467, 478, 471, 379, 120 PIPC के तहत मामला दर्ज हुआ। दतिया तहसीलदार नीतीश भारद्वाज की शिकायत पर सिटी कोतवाली TI धनेन्द्र सिंह भदौरिया ने कार्यवाही की। कांग्रेस के प्रदेश सचिव ने मां पीताम्बरा हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाकर वन भूमि को कागजों में हेराफेरी कर जमीन बेच दी थी। तहसीलदार साहब ने एक आवेदन दिया है, दतिया में उन्नाव रोड पर सर्वे नंबर 2467, 2468, 2469 की रिकॉर्ड एक तो गायब कर दिए। गायब करने के अलावा जो जितनी जमीन थी, जैसे 2467.536 हेक्टर थी जो कि बढ़ गई, और 2468 भी बढ़ गई, 2469 भी बढ़ गई। इस तरह से करीब भू माफिया जो दतिया के हैं, जिनमें मुरारी लाल गुप्ता है और माँ पीताम्बरा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, और भी लोग हैं, भारती कंपनी है जिसमें राजेंद्र भारती भी हैं, जिनका फार्म बना हुआ है, वो उनकी भी जमीन है। इसमें कई मंदिर हैं और कई शोरूम बन गए हैं। ये सब फर्जीवाड़ा करके, ये वन विभाग की जमीन थी, वन विभाग की जमीन ये नामांतरण हो गई इनके खाते में। उसके बाद में जब न्यायालय SDM को मालूम पड़ा कि ये नामांतरण गलत तरीके से इन्होंने छल पूर्वक करवा लिए, तो उन्होंने इसकी जांच की। जांच करने के बाद में फिर ये जमीन वन विभाग की हो गई, जिसमें पेट्रोल पंप है, इसका कुछ क्रेशर लगे हुए हैं, वो सब सीज हो गए। अब ये शोरूम वगैरह हैं, इनको भी सीज करने की कार्रवाई करेंगे। ये गवर्नमेंट गाइडलाइन में करीब 56 करोड़ की है, और वैसे 4 अरब 45 करोड़ के आसपास की जमीन है जो कि इन्होंने कागजों में हेराफेरी करी, और जो मूल दस्तावेज हैं वो जो तत्कालीन RI पटवारी तहसीलदार जो भी रहे होंगे उन्होंने गायब कर दिए, चोरी करवा दी, ऐसा संदेह भी व्यक्त किया है उन्होंने अपने प्रतिवेदन में। और भू माफिया और इन लोगों की साठ गांठ, राजस्व विभाग के अधिकारी कर्मचारियों की साठ गांठ का भी उल्लेख किया है, उसको भी विवेचना में लेंगे। और इसमें जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ 420, 467, 468, 471, 379, 120 बी के तहत कार्रवाई करेंगे।